चलिए इसी बीच अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की, जहां एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी समेत 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन के आसार है। भूस्खलन होने से मार्ग बंद भी हो सकते हैं। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि भूस्खलन के चलते कई मार्ग बंद हो सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर आम जनता की मुसीबतें शुरू होने वाली हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, इसने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। और जो बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने के लिए यात्री के रूप में लोग पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानी बढ़ी है। और शासन प्रशासन के लिए बदले मौसम का मिजाज, लगातार हो रही बारिश एक चुनौती बन गई है, क्योंकि जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू होता है पहाड़ दरकने लगते हैं और कई ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जहां पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। और ऐसे में मार्ग बाधित होने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि जो यात्रा करने के लिए यात्री यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि शासन प्रशासन, SDRF, NDRF और आपदा प्रबंधन तंत्र के जो अधिकारी हैं वो लगातार आपदा कंट्रोल रूम से अपडेट भी लेते रहते हैं और तमाम उपकरणों के JCB के माध्यम से मोटर मार्गों को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे रहते हैं। बावजूद इसके जब मौसम का कहर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन प्रभावित होता है। हाल ही में जो गौरीकुंड में भूस्खलन की घटना सामने आई थी उससे 20 लोग लापता हो गए थे। एक तरफ रेस्क्यू टीमें जो है उनको सर्च कर रही है, अभी तक उनको खोज नहीं पाए हैं। और दूसरी तरफ टिहरी की अगर हम बात करें तो टिहरी जनपद में भी 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। और जो मौसम का बदला हुआ मिजाज है कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। और इस बदले मौसम के मिजाज के चलते कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने से बंद हो जाता है और इससे कहीं ना कहीं बाहरी क्षेत्रों के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, मौसम बदलता है, बारिश होती है तो पर्वतीय इलाका है, पर्यटन क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे में परेशानियां जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे आम जन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जान माल का नुकसान होता है। इसके साथ ही जो खबरें हैं वो भी इस तरह की सामने आती हैं, कई हादसों की खबरें सामने आती हैं। जो यात्री इस दौरान यहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए केदारनाथ के, उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसके चलते पिछले कुछ दिन पहले भी इसी तरह मार्ग बंद कर दिए गए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बने रहिए सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, अब इससे पहले ही मौसम विभाग ने एक बार फिर लोगों को अलर्ट कर दिया है कि जहां पर हैं उसी स्थान पर रहें, क्योंकि भूस्खलन का खतरा है और ऐसे में मार्ग बंद होने के चलते कई तरह की जो समस्याएं हैं वो एक बार फिर लोगों को फेस करनी पड़ेगी।